रिकॉर्ड। चलो दूसरी क्लास स्टैट्स 102। 102 बोलते हो तुम, क्या बोलते हो? स्टैट्स। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया? बहुत क्विक समरी, क्या क्या पढ़ लिया उसका? मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मोड सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू। जैसे 8 था उसका आंसर। मीडियन बेसिकली बीच की वैल्यू, आधी वैल्यूज इधर है, आधी वैल्यूज इधर है। और मीन मतलब एवरेज, टोटल वैल्यूज, समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मीन, मीडियन, मोड, ये आपके तीन वैल्यूज हो गई। तीन तरीके हो गए सेंटर के पास जाने के, तो इन्हें बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर सेंट्रल टेंडेंसी, पर सेंटर तो समझ में आ गया, लेकिन सेंटर के अराउंड क्या हो रहा है, बाकी डेटा पॉइंट से क्या हो रहा है? तो हमने बोला स्प्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ स्प्रेड। तो सबसे इजी मेजर ऑफ स्प्रेड था रेंज। ठीक है, फिर लेकिन रेंज में प्रॉब्लम थे, तो हमने बोला IQR पढ़ लेते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है Q3 - Q1, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच की वैल्यू, सर इनका डिफरेंस, तो IQR हो जाएगा। IQR और मीडियन में क्या सिमिलैरिटी है? राशु तू बताइयो, IQR मीडियन में क्या सिमिलैरिटी है? व्हाट्स सिमिलर इन दीज टू? मीडियन के अंदर बेसिकली हाफ ले रहे हैं ना हर एक उसका, मतलब पूरे डेटा का हाफ ले रहे हैं, और IQR के अंदर तुम मीडियन से जो फर्स्ट पॉइंट है उसका हाफ ले रहे हो, और मीडियन से जो लास्ट पॉइंट है उसका हाफ ले रहे हो, तो जो क्वार्टर्स बन रहे हैं बेसिकली, चार क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं डेटा को, तो इसलिए मतलब Q3 और Q1 को माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए वो सिमिलैरिटी है, हाफ कर रहे हैं इन शॉर्ट, डिवाइड करते जा रहे हैं। और कोई बताएगा त्रिपाठी, क्या सिमिलैरिटी है? तूने तो डिफाइन कर दिया सिमिलैरिटी क्या है, कोर कोर सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, हाफ मतलब? कर रहे हैं डेटा को। हाँ, ऐसा कुछ मतलब डिफाइन तो ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ज्यादा समझ आ रही इसमें फिलहाल। सिमिलैरिटी मैं बताता हूँ ना, अगर तुमसे कोई पूछे भाई एकदम असली में ढंग से, अगर किसी को समझ में आया, तो मीडियन और IQR में सिमिलैरिटी ये है कि दे आर इम्यून टू एनोमलीज। ये वो अच्छा पैरामीटर्स हाँ हैं, ये वो पैरामीटर्स हैं जिसमें जिसमें एनोमलीज डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक बट ठीक है, IQR तक पढ़ा था, उसके बाद हमने कहानी रोक दी थी। हमने कहा था कि चलो और पढ़ लेते हैं आगे। अब स्प्रेड के दो और मेजर पढ़ेंगे हम, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है और एक है वेरियंस। ठीक ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। मीन में हमने क्या किया था, तो वैल्यू लेके शुरू करता हूँ मैं। मान लो सिंपल वैल्यू लेता हूँ 4, बहुत सिंपल वैल्यू लेता हूँ, 1, 3, 4 और 6, चार वैल्यूज हैं। ठीक है, बहुत छोटा डेटा सेट है। मेरे को क्या, मेरे को पता लगाना है कि भाई कितने, मेरे को एक मैथमेटिकल नंबर, मेरे को एक नंबर देना है स्प्रेड के लिए। ठीक है, स्प्रेड का मतलब है कितनी दूर दूर वैल्यूज हैं सेंटर से। पहले इसका सेंटर निकालते हैं, इसके सेंटर कहते हैं 1, 3, 4 और 6। ये 10 हो गया और ये 14 हो गया, अच्छे लेते हैं इसको 16 कर देते हैं, 7 कर देते हैं। 10 और 5 नहीं, 7 और 7 14, 15 नहीं, और बढ़ा देते हैं एक, हाँ चलो 0 कर देते हैं और 7 कर देते हैं, हाँ 15 हो गए, 15 आसान है। तो 5 वैल्यूज दे ली तुमने, ये तुम्हारा डेटा सेट है। ठीक है, म्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ से एको आ रहा है, किसका म्यूट नहीं है? मैं कर रहा हूँ। दोनों का म्यूट नहीं है, तो पार्टी को मैं म्यूट कर देता हूँ, अपनी तरफ से म्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो 0, 1, 3, 4 और 7 पांच वैल्यूज हैं, और तुम्हें क्या निकालना है? पहले इसका मीन निकालते हैं, पहले देखते हैं इसका सेंटर कहाँ पर है। तो मीन कितना होगा? 0, 1, 3, 4, 7, ये हो गया 10 और 5 15, 15 by 5 ये हो गया 3। एक्चुअली इसको प्लॉट भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी फील आ जाएगी। ये वैल्यू है मेरी 3, ये मेरा सेंटर है, और मतलब सेंटर नहीं है, एवरेज है। फिर मेरी एक वैल्यू है 2, फिर एक वैल्यू है 1, एक है 0, एक है 4, एक है 5, 6 और 7। नंबर प्लॉट करते हैं, ये हो गया मेरा सेंटर, एक वैल्यू सेंटर पे है। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है और एक वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, 3 तुम्हारा सेंटर है, सेंटर को भी एक सर्कल मार देता हूँ। अब नंबर लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, और इस जो कलर्स कलर्स रखे हुए, डॉट्स रखे हुए, उनको देखो। तो क्या तुम फील ले पा रहे हो कि एक पॉइंट सेंटर पे है, दो इधर है, दो इधर है? और ये जरूरी नहीं है हमेशा होगा, ये हमने कल एग्जाम्पल्स देखे हैं। अगर एक 700 वैल्यू डाल देता मैं इसमें, तो सारी वैल्यूज लेफ्ट में हो जाती सेंटर के, एक 700 को छोड़ के 700 सब कुछ हिला देता। यहाँ पर वैसे 2 वैल्यूज लेफ्ट में, 2 वैल्यूज राइट में। और अब मुझे कहना है कि यार एक कोई क्वांटिटी है जिसे मैं मेजर कर सकता हूँ कि भाई कितने कितने दूर है ये, तो
उस क्वांटिटी को या तो वेरियंस बोल सकते हो या स्टैंडर्ड डेविएशन बोल सकते हो। और अब क्योंकि जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सेंटर से कितना कितना दूर है बाकी वैल्यूज, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा पहले तुमने सेंटर निकाला है। सेंटर को हम बोलते हैं मीन। मीन को लिखने का मैथ्स में स्टैट्स में तरीका होता है एक्स बार, ठीक है। हर वैल्यू तुम्हारी एक्स होती है, तो ये एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, एक्स फोर है और एक्स फाइव है। ये नोटेशन है, किसी भी डेटा सेट में अगर एक्स बार लिखा हुआ है, यानी कि मीन की बात कर रहा है, तो मीन तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा मीन है। और तुम्हें बोला जाता है कि चलो मीन से बाकी वैल्यूज कितना कितना दूर है, तो एक एक करके देख लेते हैं कौन सी वैल्यू कितनी दूर है। जीरो तीन लेफ्ट में, वन दो लेफ्ट में, फोर एक राइट में, और सेवन चार राइट में, और थ्री बेसिकली वहीं पर ही है। तो जीरो, थ्री का डिफरेंस मीन से जीरो हो गया। ये स्टेप में मैंने क्या किया है, मैं बस एक नंबर, मैं हर एक को हर एक डेटा पॉइंट को एक एक नंबर दे रहा हूँ कि आप मीन से कितना दूर हो। कुछ वैल्यूज नेगेटिव है मतलब पीछे हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव मतलब आगे हैं। फॉर फन इन सारी वैल्यूज का सम कर लेते हैं, देखते कितना आता है। माइनस थ्री प्लस माइनस टू प्लस जीरो, जीरो मत भूलना, प्लस वन प्लस फोर। तो ये मेरे को एक नंबर दे देना चाहिए। क्या आंसर आएगा राशु? जीरो। जीरो क्यों आएगा? जीरो कि माइनस की साइड भी उतनी है, मतलब माइनस फाइव है और उस साइड भी, उस साइड प्लस फाइव है, जीरो आएगा। बट क्यों आएगा, क्यों है माइनस फाइव? वेरिएंस तो बाद में निकालेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं जीरो क्यों आ रहा है। और किसी डेटा सेट के लिए कर लूं क्या, हमेशा जीरो आएगा? नहीं भैया सर, जैसे यहाँ पर तो थ्री आ गया, तो बीच में वैल्यू लेकर के गाड़ी इधर पीछे से कूलर की आवाज आ रही है। 10 सेकंड पता क्यों आ रहा है जीरो? अभी मैं कह रहा था हर बार, मतलब बीच में, मतलब जरूरी नहीं है हर बार जीरो है, क्योंकि अभी तो थ्री जैसे बीच में मीन, तो हर बार जरूरी नहीं है ना कि मीन हमेशा सेंटर में होगा। चल कोई पांच नंबर दे अपनी तरफ से, पांच नंबर दे, छोटे छोटे दियो। वन टू फोर सेवन एंड नाइन। राशि उसका मीन निकालियो। मीन होगा 9 और 7, 16, 16 और 20, 22 और 23 डिवाइड बाय 5, 4 होता है और 4.6, 23 डिवाइड बाय होता है 4.6, तो इसका मीन आ गया 4.6। सारी डिफरेंसेस लिख लें, 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस 3.6, 2 का डिफरेंस हो जाएगा माइनस 2.6, 4 का डिफरेंस हो जाएगा माइनस, नहीं गलत कर रहा हूँ मैं, माइनस 3.4, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, 1 माइनस 4.6 मीन, नहीं मीन में से माइनस करें ना, मीन में से माइनस कर रहे हैं, 4.6 माइनस 1 हो जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा 4 मीन में से एक चीज कर लो, या तो मीन में से माइनस कर लो या नंबर्स को मीन में से माइनस कर दो, क्या करना है बता। नंबर्स में से मीन माइनस करते हैं, हाँ नंबर्स में से मीन माइनस करते हैं क्योंकि क्योंकि ऊपर भी एक है, तो 1 में 4, 1 में से 4.6 माइनस करेंगे कितना आएगा -3.6। माइनस 3.6 नहीं आएगा, यही गलती मैं कर रहा था, नहीं नहीं 0 माइनस, हां 3.6 ही आएगा शायद, -3.6 अरे 3.6 ही आएगा। हां 2 माइनस 4.6 कितना आएगा -2.6, 2.6 4 माइनस 4.6 आएगा -0.6, 7 माइनस 4.6 कितना आएगा 3.6, नहीं 3.6 नहीं आएगा, 5 2.4 आएगा, हाँ सॉरी 2.4 आएगा, और 9 दो ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 4.4, ठीक है ठीक है। ऐड कर लें सारी नेगेटिव वैल्यूज, ऐड करके कितनी बन रही है 8, एक कैरी ओवर, -6.8, सारी पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करके कितनी बन रही है, दोनों को ऐड करो 6.8। अब बताओ जीरो क्यों आएगा, मैं पार्ले जी निकाल एनॉर्मल अनम्यूट तो कर ले, मैं कह रहा हूँ एनॉर्मली अगर हुआ किसी डेटा सेट में तब भी, हाँ तब भी कोई भी डेटा लोगे उसमें हर वैल्यू को मीन से माइनस करोगे
और सब कुछ ऐड करोगे तो आंसर जीरो आएगा। ये बता दो पहले क्यों आएगा। जीरो का मतलब क्या है फिर यहाँ पर? इसका मतलब ये है, मैं मेरे को शायद समझ में आ रहा है, तो बेसिकली मीन क्या कर रहा है कि मीन करी तो यही रहा है, जो मीन वैल्यू है वो एक्चुअली यही तो है कि सेम वैल्यूज को उस साइड रखता है जितने मतलब मीन यही तो कर रहा है कि एक डिवाइडर डाल रहा है बीच में कि अगर इतनी वैल्यू का सम करोगे और इतनी वैल्यू का सम करोगे तो वो इक्वल आएगा, यही तो मीन कर रहा है। बट वो क्यों कर रहा है ऐसा वो नहीं पता, क्यों कर रहा है ऐसा क्यों आ रहा है भाई? जीरो हमेशा जीरो आएगा। जीरो तो हमेशा आएगा, ये तो है। मैथ से सॉल्व करते हैं, क्या बात हुई थी हमारी, पांच वैल्यूज है ना, x1 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 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले ली, x5 ले ली। मीन था क्या आपका x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 डिवाइडेड बाय 5? ये मीन था, ठीक है। हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहला डिफरेंस क्या है, x1 माइनस मीन, दूसरा डिफरेंस क्या है x2 माइनस मीन, तीसरा डिफरेंस क्या है x3 माइनस मीन, चौथा डिफरेंस x4 माइनस मीन, और पांचवा डिफरेंस x5 माइनस मीन। सारे डिफरेंसेस ऐड कर कितना आ रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 माइनस 5 टाइम्स मीन। अब देख लो स्क्रीन पे दिख जाएगा तो मैं क्यों आ रहा जीरो। हाँ दिख गया, मैथ से दिख गया, मतलब अशोक ने दिखा, समझा देते पार्टी इसको, समझा दे कैसे जीरो आ रहा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैथ्स वाले पार्ट से अगर तू देखेगा तो ऊपर वाली इक्वेशन देखना, 5 अगर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5 into x वो हो गया, फिर उसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो उधर ले जाएंगे तो राइट साइड से 0 बचा ना। हां ठीक है ठीक है। अब 5 तो बस ऐसे ही नंबर है, कोई भी नंबर होगा तो उतनी बार हो सकते हैं, बट उतनी टर्म्स भी तो बढ़ी जाएंगी ना। एग्जैक्टली, मतलब जो भी करे पर हो राइट साइड तो 0 ही बचेगा। हां तो इसीलिए हमारा डिफरेंस लोगे मीन से तो 0 आएगा, which is a problem for us because अब इसका अब अगर जीरो आ रहा है डिफरेंस तो फिर तुम कैसे निकालोगे? तुम यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दोबारा टर्म लेते हैं, मान लेते हैं वन, क्या क्या टर्म थी, जीरो, कोई नई टर्म लेते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर और सेवन, यही थी क्या, दस पंद्रह आना चाहिए था, जीरो वन टू थ्री सेवन ऐसे कुछ था शायद, दस और तेरह नहीं, जीरो वन थ्री फोर सेवन, देखियो कितना, पंद्रह आ रहा है, हाँ पंद्रह आ रहा है। इसका मीन हो गया 3, मैं जानबूझ के ऐसा नंबर नहीं था कि इंटीजर आ जाए ताकि थोड़े 4.6 है उसमें, क्योंकि देख देख ही रहे हो कि माइनस करने में कितना एक्सपर्ट हूँ। तो मीन है 3, तुमने डिफरेंस जगह देख लिया, तुम्हारा अप्रोच क्या थी, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हम करना चाह रहे हैं स्प्रेड निकालना, हम एक मैथ्स में नंबर डालना चाह रहे हैं जो बता दे कि भाई आपका डेटा जितना डेटा पॉइंट्स हैं वो मीन से कितना कितना दूर है। तो सबके साथ डिस्टेंस निकाले, सबसे डिफरेंस निकाल लिया, ये मेरी वैल्यूज है, मैं इसको लिख लेता हूँ, मान लेते हैं ये एक्स है और ये मीन है और ये डी है, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, मेरी वैल्यूज हैं 0, 1, 3, 4 और 7, मेरा मीन हमेशा 3 है तो इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा 3 है। मेरा डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 4, इन सबको ऐड करके मुझे 0 मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँ? मेरे को इन मेरे लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बता रहे हैं कि मेरी वैल्यूज इस सेंटर से कितना दूर दूर रखी हुई, मैं इन नंबर्स को कैसे यूज करूं, मैं इनको ऐड करूं तो जीरो आ रहा है और किसी भी डेटा सेट के लिए ऐड करूं तो जीरो आ रहा है, तो अब मैं कैसे निकालूं स्प्रेड, कैसे निकालूं स्प्रेड का नंबर क्या दूं? ऐसा कोई तरीका है मैथ में जिसमें तुम ऐसा कोई तरीका है मैथ में जिसमें जिसमें चीजें ऐड करो तो जीरो ना आए, कोई गारंटीड तरीका जिससे तुम कुछ भी कर लो जीरो नहीं आएगा? नेगेटिव इंटीजर सॉल्व करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं पूरे डेटा सेट का, पर मॉड क्यों, पूरे डेटा सेट का नहीं मतलब -3 और उसका, नहीं पता
देखो एक तरीका ये है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो, आप सेंटर से दूर हो ना, तो मैं आपकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, मॉड ऑफ डी हो जाएगा 3, 2, 0, 1 और 4, ऐड करो 5 और 5, 10 आ गया, 10 एक नंबर दे दिया, 10 पॉजिटिव नंबर है, 10 बता रहा है कि आपका डेटा आपके सेंटर से पॉइंट्स कितने कितने दूर हैं, सबके उन सबकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली, जितना छोटा नंबर उतनी वैल्यूज पास हैं उस सेंटर के, तो इट वर्क्स, मॉड ऑफ डी वर्क्स, तो इसको मैं बोलता हूँ इस मैथ मैथ वाले सिंबल्स हैं, इसका मतलब होता है सम, ये शायद कहीं देखा होगा तुमने, सम ऑफ मॉड ऑफ डी, समेशन ऑफ मॉड ऑफ डी, तो ये एक तरीका हो सकता है, ये एक मैट्रिक हो सकता है, बट वेरिएंस की क्या जरूरत है, तो ये एक बार मॉड वाला बताओगे एक बार दोबारा, ये 10 वाला बताओ, पहले मॉड वाला बताता हूँ, धीरे धीरे करते हैं, मैंने कहा यार देखो इधर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं, ऐड करूंगा हमेशा जीरो आएगा, मैथ ने बता दिया, लेकिन मुझे ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर डेटा पॉइंट मेरे सेंटर से कितना दूर है, मेरे मीन से कितना दूर है, मुझे वो चाहिए, तो मैंने कहा आप एक काम करते हैं, इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, सबकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैंने कहा डिस्टेंस लेता हूँ सबसे, और मैंने डिस्टेंस ले ली, -3 की जगह 3 लिख दिया, -2 की जगह 2 लिख दिया, बाकी जो भी वैल्यू पॉजिटिव थी वो ऐसे रख दी, इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक नंबर आ जाएगा विच इज नॉन जीरो, तो आई एम हैप्पी, नॉन जीरो नंबर आ गया, इसकी नोटेशन है मैथ की नोटेशन है, इसका मतलब होता है सम और मॉड ऑफ डी, यानी कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज है मॉड ऑफ डी की उन सबका सम कर दो, 5 वैल्यूज का सम करोगे 10 आ जाएगा, नोटेशन अगर नहीं भी रखनी तो नोटेशन हटा दो, मैं सम ऑफ डिस्टेंसेस लिख लेता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेता हूँ सम ऑफ डिस्टेंसेस, ये भी तो एक मैट्रिक बन गया ना, जो एक नंबर देता है आपको, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमारी खोज किस चीज के लिए हो रही है, हम एक नंबर ढूंढ रहे हैं जो बता दे कि भाई मेरी वैल्यू सेंटर से कितना दूर है, सम ऑफ डिस्टेंसेस आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बेस्ट केस सिनेरियो जीरो कब आएगा, जब सारी वैल्यूज से डिस्टेंस जीरो होगा, जीरो कब आएगा, जब ईच वैल्यू जीरो, जब सारी वैल्यू मीन पे होंगे, यानी कि मेरा डेटा सेट कुछ इस तरह से होगा 3, 3, 3, 3, 3, यानी कि सारी वैल्यूज एक के ऊपर एक है, कोई वैल्यू दूर नहीं है, ठीक है, विच इज ट्रू, जीरो आना चाहिए इस केस में, अगर कोई भी एक वैल्यू हिलेगी, अगर एक वैल्यू मेरी 5 आ गई, एक वैल्यू 5 आ गई तो मेरा नंबर बढ़ गया, मेरा नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, और अगर इधर से भी हिला दी वैल्यू, थोड़ा और दूर कर दिया, इसको मैंने जीरो कर दिया, ये वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई, तो मेरा नंबर और बढ़ जाएगा, मेरा नंबर अब 5 हो जाएगा, 2 इधर और 3 इधर, तो इट्स अ गुड नंबर, मेरे को बताओ इसमें दिक्कत क्या है, सम ऑफ डिस्टेंसेस का क्यों वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते रहते, सम ऑफ डिस्टेंसेस से काम होता रहा, बट ये फिर भी वो नहीं कर रहा ना, मतलब 3 से अगर आप देखोगे तो सारी वैल्यूज 3 या 4 के आसपास ही दूर है, मतलब 3 उस साइड दूर है या फिर 4 इस साइड दूर है मैक्सिमम ये, बट इसमें फिर भी 10 तक जा रही है पूरी, तो ये काफी एक्यूरेट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तो कहूंगा, और किसी को कोई दिक्कत 10 से, बस यही दिक्कत है, तो जो मतलब अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि मतलब मीन से हमारी हर एक वैल्यू कितनी दूर है, हाँ। तो ये तो मतलब ऐसे हमें सम मिल जा रहा है ना, तो हर एक डेटा पॉइंट का कैसे पता लगेगा, लेकिन यहाँ से भी नहीं, हर डेटा पॉइंट का नहीं पता लगाना, जैसे मीन भी, अच्छा। मीन क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है, मीन ये थोड़ी पता है कि हर डेटा पॉइंट कहाँ पर है, मीन बताता है भाई रफली तुम्हारी वैल्यूज इसके आसपास है, ठीक, और यहाँ पर भी हम एक नंबर ढूंढ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं इस डेटा सेट की, यार इसकी वैल्यू इतनी है, इसका मतलब उस वैल्यू को देख के तुम बता सकते हो, जैसे एक डेटा सेट है उसकी वैल्यू है मेरी मान लो 10, एक है उसकी वैल्यू मेरी 300, तो दोनों में से किसकी यार म्यूट कर ले यार, बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, म्यूट ही है, नहीं उसको बोल रहा हूँ मैं, हाँ मैं म्यूट था, ये नहीं था, अच्छा राशु नहीं था क्या म्यूट, अच्छा हाँ, तो जब बोल रहा हूँ तो बोलो यार, बहुत ज्यादा वो आ रही है आवाज, मेरे को अपनी आवाज सुनाई दे रही, ठीक है, तो कहाँ पर है हम, ठीक है, दो डेटा सेट है, एक है सेट 1 और एक है सेट 2, तो एक सेट 1 में सम ऑफ डिस्टेंसेस है 10, सेट 2 में सम ऑफ डिस्टेंसेस है 300, सिर्फ एक नंबर से बता देगा तुम्हें कि भाई कौन कौन से डेटा सेट में वैल्यूज दूर दूर रखी है कि नहीं रखी है, 10 से कुछ पता लग रहा है, 300 से कुछ पता लग रहा है, 300 में ज्यादा दूर दूर होनी चाहिए, 300 में बहुत दूर दूर होनी चाहिए वैल्यूज, है ना, हाँ होनी चाहिए दूर, अब आते हैं, हाँ अब आते हैं प्रॉब्लम पे,
इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है? एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो तुम्हारे पास तीन वैल्यूज हैं, तीन छोटी छोटी वैल्यूज से शुरू करता हूँ। मान लो तुम्हारे पास तीन वैल्यूज हैं, एक है 10, 10 और 20, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 10, और एक है 1000, 1000, 1000 और 1010, ठीक है? एक डेटा सेट आपका ये हो गया, एक डेटा सेट आपका ये हो गया। इसमें सम ऑफ डिस्टेंसेस कितना है? नहीं, एक्चुअली मीन नहीं निकाला ना मैंने, रुको मीन से करता हूँ, रुको, ये नंबर सही नहीं है। वैसे सही था एक्चुअली, सही था एक्चुअली, मजा तो इसी में भी आएगा। इसका मीन कितना है अशोक? 10, 10, 40, 40/3 हो गया, 40/3 हो गया, 16.66, समथिंग लाइक दैट। पहली वैल्यू हो गई -3.33, दूसरी -3.33, तीसरी हो गई कितना हो जाएगा, 13.33, एक कट जाएगा, 6.66 आंसर आ गया। तो यहाँ वेरियंस आ गया आपकी 6.66। और नीचे वाले में मीन निकालोगे तो कितना आएगा, 3010, 3010/3, ये हो जाएगा 1003.33। और यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो भी सेम आएगा, -3.33, -3.33, +6.66, हाँ ये सेम ही आएगा ना, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, एक गड़बड़ हो रही है, ठीक मैथ्स में गड़बड़ हो रही है। तुम निकालो, एक काम करो, तीनों का मीन निकालो और डिस्टेंसेस निकालो दोनों साइड की। डिफरेंसेस तो मेरे तो सेम ही आ रहे हैं भैया। डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं, सम ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंसेस कितना आ रहा है? -3.33, -3.33 और 6.67, ये आ रहे हैं दोनों सेट में, ठीक है? उन तीनों को ऐड करोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेके अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस कितने आ जाएंगे? मॉड वाला करना है ना, मॉड वाला, हाँ डिस्टेंस वाला, मॉड वाला करना। और दोनों में सेम आना चाहिए, आना तो चाहिए, देख ले दोनों में सेम आएगा, मेरा तो आ रहा है, राशु को नहीं आ रहा, ट्रैक्शन में गलती कर रहा हूँ मैं, कर ले कर ले, डेसिमल कर ले, फ्रैक्शन क्यों कर रहा है, डेसिमल से कर ले। अच्छा देख ले, छोड़ टाइम दे, इधर देख ले, ठीक है? 10 + 10 + 20 हो गया 40, 40/3 होता है, 40/3 होता है 13.33। 10 से डिफरेंस लोगे तो -3.33,
फिर दूसरा 10 से लोगे तो -3.33, और क्योंकि मीन 0 होता है तो मुझे पता है ये डबल आएगा, बट वैसे भी देख लोगे 20 से लोगे तो 6.66 आएगा, 20 माइनस ये करोगे तो 6.66। इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.66 का डबल विच इज 13.33, 6 का डबल होता है 12 और ये 1.33। अब दिक्कत यहाँ पर ये है सारी कि दोनों डेटा सेट में आपका जो नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो अगर मैं सिर्फ नंबर को देखूं 13.33 और 13.33, नीचे भी तो देखेगा तो सेम आएगा, 1000 से फर्क नहीं पड़ता। इस नीचे वाले का मीन आएगा 1003.33, डिफरेंसेस वही आएंगे। जो मेन दिक्कत है इस पर्टिकुलर मैट्रिक की दिक्कत जो है वो ये है कि 13.33 तुम्हें क्या बताता है। 13.33 आइडियली जितना बड़ा नंबर होना चाहिए उतनी चीजें दूर दूर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो नंबर बराबर है, इसका मतलब चीजें बराबर दूर पे होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ये जो स्प्रेड निकालने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों डेटा सेट में बराबर होना चाहिए। बट अगर तुम विजुलाइज करो, अगर तुम विजुलाइज करो 10, 10 और 20 को, ठीक है, और 1000, 1000 और 1010 को, कहीं तो जीरो होगा। क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि 20 कई बहुत दूर है 10 से, 1010 इतना दूर नहीं है 1000 से। एक 1010 वाले को तुम फालतू में नंबर काट रहे हो उसके, उसकी वैल्यूज तो बहुत बहुत ज्यादा पास है ना, मीन से कितना दूर, मतलब ये भी तो मैटर करना चाहिए ना कि वैल्यू कितनी बड़ी है। 10, 10 और 20 ने तो कूड़ा मचा दिया, 20 ने तो वैल्यू पूरी डबल कर दी। यहाँ डबल थोड़ी हो रही है, यहाँ पर सिर्फ 10 का एरर है ना, लेकिन पेनल्टी दोनों को बराबर लग रही है, दोनों की वैल्यू 13.33 आ रही है। दिस मीन्स ये डेटा, ये नंबर तुम्हें कुछ खास बताएगा नहीं, ये नंबर तुम्हें इतना बताएगा कि वैल्यू जीरो है कि नॉन जीरो है। कितना अब जितना बड़ा नंबर होगा, अगर मैं डेटा को मिलियंस में ले लेता तो छोटे से एरर से बहुत बड़ा नंबर आ जाता, मैं सोचता चाहे इसका क्या करूँ मैं इतनी बड़ी वैल्यू का, मुझे क्या बता रहा है ये वैल्यू कितनी दूर है। ये भी तो पता होना चाहिए कि वैल्यू कि मेरा मीन कितना है, उस पर डिपेंड करना चाहिए। ये मेनली जो फंडा ये है वो इस डेटा सेट को, इस डेटा सेट को सेम पेनल्टी दे रहा है, मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। हमें एक ऐसा मैट्रिक निकालना है जो इसको कम पेनल्टी दे और इसको ज्यादा दे ऊपर वाले को, यहाँ चीजें ज्यादा खराब है। क्या तुम एग्री करते हो इस चीज पे? 10, 10, 20 इज अ बिगर प्रॉब्लम देन 1000, 1000, 110, 1010 सॉरी। ऊपर वाले का वेरिएंस जो भी मतलब हम निकाल रहे हैं वो ज्यादा आना चाहिए नीचे वाले से। हाँ, क्योंकि मतलब थोड़े 10 और 10 और उसके बाद 20 और फिर 1000, 1000 और 1010 और 2000, तो फर्क तो है। फर्क है, यहाँ पर वैल्यू एकदम डबल हो गई, यहाँ पर वैल्यू हल्की सी बड़ी थी। तुमने कहा नहीं, दोनों में सेम ही प्रॉब्लम है, दोनों का सम ऑफ डिस्टेंसेस बराबर आ रहा है। तो ये एक रीजन है, ऐसे कई रीजन है इस चीज को गलत करने के, ठीक है। तुम फिर बोल सकते हो सर हमने मीन में डिवाइड किया था नंबर ऑफ टर्म्स से, इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं, एन से डिवाइड कर लेते हैं, तो तीन टर्म्स है तो तीन से डिवाइड कर लो, 13.33 को तीन से डिवाइड कर लो। दिस डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। 13 को 3 से डिवाइड करोगे 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यहाँ नीचे भी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना डिवाइड कर लोगे तो। ये तो नहीं बता रहा कि कौन सा, ये नहीं बता रहा किसमें ज्यादा प्रॉब्लम। तो दिस इज वन प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आइडेंटिफाई की थी, ये सिंपल है एक्सप्लेन करनी। अनदर प्रॉब्लम जो इस बुक में लिखी हुई है, ठीक है, मैं तुम्हें बीच बीच में से वो दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन अगर तुम पढ़ो, ठीक है, यू माइट ऑल्सो थिंक इट वुड बी मोर लॉजिकल टू यूज सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार मीन होता है, एक्स आई तुम्हारी सारी टर्म्स हैं और मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इंस्टेड ऑफ स्क्वेयर। द रीजन दिस इज नॉट डन इज सिंपली बिकॉज द एब्सोल्यूट फंक्शन जो मॉड होता है इज नॉट अ नाइस फंक्शन टू डील विद मैथमेटिकली इन पर्टिकुलर। मॉड का अगर ग्राफ कभी 11th चार्ट में देखा होगा तो हैज अ नास्टी किंक व्हेन एक्स इक्वल टू 0, वेयर द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज नाइस एंड इज ऑलवेज ऑलमोस्ट स्मूथ। ठीक है, ये इसमें पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड मैथ लग रही है, मैं इस पूरे को हटा ही देता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, सम ऑफ डिस्टेंसेस का नंबर्स तो मुझे अब याद ही हो गए। तो ये जो बुक कह रही है, हो सकता है और पढ़ूंगा मैं तो मुझे और डिफरेंसेस पता लग जाएंगे, बट ये जो बुक कह रही है वो ये कह रही है कि आपका मॉड का जो ग्राफ होता है, मॉड मत यूज करो, मॉड का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज नॉट स्मूथ। और अगर कोई फंक्शन उठाना है तो ऐसा फंक्शन उठाओ जो स्मूथ हो, जो ग्रेजुअली मूव करता हो, ऐसे जर्क ना हो उस फंक्शन में। अब कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए,
स्टैट्स में, इसके लिए थोड़ी सी मैथ लग रही है, 11th क्लास की मैथ लग रही है, ग्राफ पता होना चाहिए मॉड एक्स का और एक्स स्क्वायर का, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट डालने का। मेरा पॉइंट भी वैलिड है कि यार देखो वो कैसे पेनलाइज कर रहा है, वो ज़्यादा लॉजिकल है, अगर किसी को ग्राफ नहीं पता तो उसको वैसे भी समझ में आ जाएगा। बट मैं यहाँ पर एक बेसिकली बताना चाह रहा था सम ऑफ डिस्टेंसेज में दिक्कत क्या है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि यार सम ऑफ डिस्टेंस भी तो निकाल सकते थे, तो वापस दो पॉइंट होने चाहिए एटलीस्ट, एक ये कि पेनल्टी किसको कितनी दे रहा है, दूसरा ग्राफ वाली प्रॉब्लम ये स्मूथ नहीं है। अब तुम अभी पूछोगे कैसे क्या फर्क पड़ता है ग्राफ स्मूथ है कि नहीं है, ग्राफ तो ग्राफ होता है, हमें ग्राफ से क्या मतलब है। बट विद टाइम जब तुम ग्राफ बनाना शुरू करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना शुरू करोगे, तो दिख जाएगा कि अगर मैं फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ तो स्मूथ फंक्शन होना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए चलो मान लो तो मेरी बात कि मॉड ऑफ एक्स ये सम ऑफ डिस्टेंसेस इज नॉट गुड, ठीक है, हम ये यूज नहीं करते, हम ये 10 यूज नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर हम यूज क्या करें। ऑलमोस्ट आंसर सारा दे ही दिया है कि अगर पॉजिटिव बनाना है अपने तो एक तरीका है मॉड लेने का, दूसरा तरीका राशि बोलता है आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से भी तो हो जाएगा, स्क्वायर से भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 9, 4, 0, 1 और 16, इसका सम कितना हो जाएगा? सिंपल तरीका है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस। और डिस्टेंस क्या है हमारा, सारी एक्स की वैल्यूज, एक्स आई माइनस मीन, माइनस मीन, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, 30 हो गया, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, इसको आप डिवाइड कर लो अगर 5 से, ये जो एन मेरा 5 है, इस टर्म को हम बोलते हैं वेरिएंस, वेरिएंस हो गया आपका, इतना ही है वेरिएंस में, वेरिएंस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय 5, 5 टर्म्स है, तो वेरिएंस आ गई मेरी 6, इसकी वेरिएंस है 6। ठीक है, वेरिएंस समझ में आया, वेरिएंस क्या है? अब लोग बोलते हैं कि आपने स्क्वायर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो सारी टर्म्स हैं, लोगों को लगता है 6 बहुत बड़ा नंबर है, डायमेंशन भी बढ़ जाती है, अगर ये सारी चीजें सेंटीमीटर होती, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो लोगों ने सेम डायमेंशन में पहुंचाने के लिए उन्होंने बोला 6 मत लो, आप स्क्वायर रूट ऑफ 6 लो, इसका इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, इसका नाम रख लिया लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक है SD और एक है वेरियंस, वेरियंस को बोलते हैं V। तो ये दो नंबर्स लोगों ने निकाले, और ये बहुत कॉमन नंबर्स हैं, हर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, कोई भी ग्राफ देखोगे, अपनी कोई भी गूगल शीट पे उठाओगे ना, अगर तुम तो सेल्स को उठाओगे तो तुम्हें नीचे दिख जाएगा मोस्ट कॉमन यूज फॉर्मूला, एक होता है मीन निकालना, फिर आता है वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रखा हुआ है वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे इस कोर्स में भी बहुत काम आने वाला है ये, हम बहुत सारी चीजों का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस, वेरिएंस ये वाली टर्म है, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस आया कहां से है, मैं पूरी जान लगाइए इस यहां तक लास्ट में पहुंचने की, ठीक है। पहले तुम हर टर्म का डिफरेंस लोगे मीन से, फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका स्क्वायर करोगे, सारी वैल्यूज ऐड करोगे, एंड यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो वेरिएंस आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, कूल, ये दो टर्म्स आ गए, हाँ, ओके। अब इसको मैं एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 6 वैल्यू, मैथ वाले कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर, कॉल ऑफ ड्यूटी, रूट 2 और रूट 3 होता है, रूट 2 होता है 1.414 और रूट 3 होता है 2.4 के आसपास लेते हैं वैल्यू। इसका मतलब ये है कि रफली अगर तुम्हारी वैल्यू, मीन तुम्हारा 3 था, तो तुम्हारी वैल्यूज जो है ना वो इसके 2.5 प्लस और 2.5 माइनस, मेजॉरिटी वैल्यूज आपकी इस 3 के इतने इतने दूर हैं,
बहुत छोटा डेटा सेट है इसलिए तुम सेंस नहीं लगा पा रहे, बट 2.4 का मतलब यही है, जितनी ज्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे उतनी ज्यादा एफिशिएंट होगी ये वैल्यू, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि 3 से कितना दूर है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द राइट एंड वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू द लेफ्ट। तो ये कहना चाह रहा है कि देखो वैल्यूज कितना दूर है, स्प्रेड बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक बार इसको समराइज कर देता हूँ, लेस देन अ मिनट बचा है। तो मेजर ऑफ स्प्रेड जो है हमारा एक है वेरियंस, विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ सम ऑफ, नहीं स्क्वेयर रूट नहीं आता, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है स्क्वेयर रूट ऑफ वेरियंस, ठीक है। इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं मैथ्स के नेक्स्ट वीडियो में करना होगा पहले, हाँ इसको क्लियर नहीं कर रहा मैं अभी। हाँ